हमारे अंदर जो कमी है हमारे अपलाइन हमारे में बोल सकता है एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। एक बार एक एक बंदा ने एक गुरु यू नो एक रिलीजियस गुरु का पास गया, रिलीजियस गुरु का पास गया और उससे बोला, गुरुजी मेरा अंदर जो कमी है मैं मुझे कैसा पता चलेगा, उसे एक सीक्रेट बोली। गुरुजी ने बहुत शान से बोला, तू तेरा घर जा, घर जाकर तेरा बीवी का अंदर एक कमी है उसे बोल, तेरा बीवी तेरे में 1000 कमी निकाली सिर्फ तेरे में नहीं, तेरे पूरा खानदान में जितना कमी है वो तुझे कुछ नहीं करना है। बड़ा सीक्रेट नहीं, सिंपल सीक्रेट है, ये कमी था, तू सिर्फ ये कमी बोल दे उसके बारे में, वो तेरे तेरे दोस्तों का तेरी सबका तो पूरा खानदान का पर्दाफाश कर दी। सो दिस इज ऑल्सो काउंसिलिंग। सो माई डियर फ्रेंड्स, काउंसिलिंग ऐसा होना चाहिए सो दैट यू सिट विथ योर टीम, आपका टीम से आप बैठो आपका टीम से बैठो, देन यू आइडेंटिफाई देयर व्हाट आर ऑल द irregularities they are doing. This will help them to correct themselves. Find their why and translate it to goal. Uska why? Tu kyun de-action kar raha hai? Usse pakdo. Mera downline kyun de-action kar raha hai? Sir, main de-action kar raha hu kyunki mera pet ka dard hai. Usse chhod do, wo consumer hai. Usse zyada mat socho. वो अभी एक मेंबर है सर, मैं मुझे एडिशनल मुझे 10,000 इनकम चाहिए। हाँ वो आपका बंदा है, मुझे एक गाड़ी लेना है इसीलिए मैं डीएक्शन में आया, वो आपका बंदा है। कुछ फाइनेंशियली करना चाहता है, जो बिजनेस करना चाहता है, उन लोगों को पकड़ो, उसका वही को निकालो, वो क्यों कर रहा है उसे निकाल कर बाहर लेकर उसे समझाओ। अगर तुझे ये चाहिए, तुझे ये इनकम होना है, अगर ये इनकम होना है तुझे इतना एक्टिव लोग होना है तुझे ये काम करना पड़ेगा। मैं तेरा साथ हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरा साथ हूं, बट तेरा काम मैं कभी भी नहीं करूंगा। मैं तुझे गाइडेंस दे सकता हूं, मैं तुझे ट्रेनिंग दे सकता हूं, बट मैं तुझे हैंडीकैप नहीं बनाऊंगा। सही है ना? कुछ लोग हैं डाउनलाइन को हैंडीकैप बना देते हैं। मेरा सर मेरा टीम को सेमिनार लेने नहीं आता है, मैं सेमिनार लेऊंगा। ठीक है, एक बार दो बार लेना अच्छा है, 5 साल हो गया फिर भी मेरा टीम को सेमिनार लेना नहीं आता है, आप ही जाते हो सेमिनार लेने, तो क्या कर रहे हो आपका टीम का साथ? आपका टीम पावरफुल हो रहा है या कमजोर हो रहा है? कमजोर हो रहा है, क्योंकि आपका टीम आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका जो मेन फोकस है, जब मैं सोने का टाइम पैसा आना ऐसा नहीं आएगा, वो तब आएगा जब आपका टीम मजबूत होगा। सो यू बिल्ड योर टीम अकॉर्डिंगली, बिल्ड द सिस्टम, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, आइडेंटिफाई द टास्क, फाइंड द बेस्ट डुप्लीकेट वे ऑफ डूइंग इट, प्रैक्टिस एंड परफेक्ट एंड डुप्लीकेट। डीएक्शन में क्या करना है? डीएक्शन में करने का कुछ स्टेप्स है, ये बेसिक है, सबको पता है, पर हम नहीं करते, यही प्रॉब्लम। डॉक्टर लिम ने बोला, डीएक्शन में अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, यू शुड डू सिंपल थिंग। क्या थिंग? सिंपल जो चीजें वही करना है, बट सीक्रेट है रेगुलरली करना है। रेगुलरली करने में वो आदत बनेगा, बट हम रेगुलरली नहीं करते हैं। नंबर वन, क्या सिंपल चीज है? यूज द प्रोडक्ट, बी ए गुड कंज्यूमर। हम सब गुड कंज्यूमर है डीएक्शन का, एवरीबडी गुड कंज्यूमर। नंबर फर्स्ट स्टेप क्लियर, गुड कंज्यूमर मीन्स यू शुड यूज द प्रोडक्ट विच यू कैन अफोर्ड टू यूज। पहले आपका बाथरूम,
जितना आप हो सकता है वो प्रोडक्ट आपका घर का ब्रांड डीएक्सएल घर होना चाहिए। कुछ लीडर का घर आप जाएंगे ना, डीएक्सएल लीडर का घर जाएंगे तो डीएक्सएल का एक स्मेल आए उसका घर से, एक स्मेल होगा एक डीएक्सएल। बट मैं डीएक्सएल में करना चाहता हूं बट मैं फिर भी मैं कोलगेट टूथपेस्ट ही यूज करूंगा, नहीं होगा। इसमें क्या है, मैं आरजीजी कर रहा हूं ना तो मुझे टूथपेस्ट ही यूज कर रहा हूं, नहीं। यू आर डूइंग डेली मनी विथ योर सेल्फ एंड योर बिजनेस। इफ यू वॉन्ट टू बी फेथफुल, यू वॉन्ट टू डू बिजनेस, यू डू बिजनेस विथ योर फुल हार्ट। प्यार करना एक चीज है, वादा निभाना और एक चीज है। मैं बोल सकता हूं मेरे गर्लफ्रेंड को आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, आई लव यू। जब टाइम आएगी वो पूछेगी मेरे से कब शादी करेंगे, शादी नहीं करूंगा बट आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल। ये सिर्फ प्यार कर रहा है। डीएक्सएल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसमें से मैं ग्राउंड एम्बेसडर बनूंगा, गाड़ी आएगी, पैसा आएगी, मैं दूसरा प्रोडक्ट यूज करूंगा। प्यार किसी और से, शादी और किसी और से, तो देन यू विल नॉट मैच। अगर करना है डिजाइन कर लो, अगर डीएक्सएल करना है 100% करना है, 99% नहीं करने का। समझ में आ रहा है? If you are doing DXN for your future, अगर future के लिए DXN करना है, 3 से 5 साल सिर्फ करो, but DXN पूरा दिल से करो, आप सक्सेस जरूर होगी। Nobody can stop. First thing was be good consumers. एक अच्छा consumer बनो। नंबर टू, नेक्स्ट क्या बनने का, कंज्यूमर बनने के बाद हमारा काम है डीएक्सएल का काम क्या है, कंज्यूमर बनना और कंज्यूमर। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप इज बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मेनी पीपल आज सक्सेस नहीं है इसका पीछे कारण They are not good distributor. They are good consumer. They are good sponsor. They are good speaker. But they are not good distributor. You should be a good distributor. ये basic है, basic DXN का। अगर basic में कुछ गलतियां हुई then पूरा copy will become wrong। ये मास्टर कॉपी है। मैं पहले बोल रहा हूं ना, ये पहला बटन, आपका पहला बटन अगर गलत गया आप काम करते ही जाएंगे, लास्ट बटन नहीं मिलेगा। सही है ना? सो पहला बटन करेक्ट जाओ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप। नहीं सर मैं पहला बटन गलत डाल दिया, तो पूरा बटन निकालो, पहले से शुरू करो। हम गलतियां करेंगे फिर सुधर सोचेंगे वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। फर्स्ट गुड कंज्यूमर, सेकेंड बी ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेयर वी प्ले द रोल ऑफ 20 कंज्यूमर। 20 कंज्यूमर क्यों बोल रहे, 20 कंज्यूमर बनाओ कंपनी, 20 मेंबर बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। नहीं, पहले क्या बनाना है, कंज्यूमर बनाओ, कंज्यूमर का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। 3 महीने में 20 कंज्यूमर बनाने की स्ट्रैटेजी लेकर, अगर ये नहीं हो सकता है तो मुझे पता नहीं आपका फाइनेंशियल फ्रीडम कितना दूर तक सक्सेसफुल होगा। व्हेन यू आर बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर, रिमेंबर सम मे बाय सम मे नॉट। कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट ले सकते हैं, कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं भी ले सकते हैं। यू डोंट वरी, आपका काम है शेयर करना, आपका काम है बताना, बट सम विल बी इंटरेस्टेड टू शेयर इट विद अदर्स। कुछ लोग ऐसे भी होंगे
जो आपका प्रोडक्ट बेनिफिट को दूसरे लोगों का साथ शेयर करना शुरू करेंगे, वहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देन ये कंज्यूमर आपका और एक डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। समझ में आ रहा है बात? पहला स्टेप क्या है? कंज्यूमर। सेकंड स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपका कंज्यूमर वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, उसे स्पॉन्सर करो, देन आपका नीचे डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, आपका नीचे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, देन यू बिकम ए नेटवर्क। नेटवर्कर का मतलब यह है आपका नीचे डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। सिक्स, शुरुआत में इफ यू आर स्टार्टिंग इट, शुरुआत में यू क्रिएट चेन डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट मेंबर, नॉट कंज्यूमर, नॉट स्पीकर, नॉट स्टार एजेंट, नॉट स्टार पेमेंट। क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर। ये आपको इनकम लेकर आकर देगा, स्टार एजेंट नहीं देगा, स्टार डायमंड नहीं देगा, कौन देगा? डिस्ट्रीब्यूटर। मेरा नीचे स्टार डायमंड है बट उसका पीवी जीरो है, क्या वो स्टार डायमंड लगकर मैं क्या करूं? पूजा करूं? क्या करूं? शोबिज में रहूं? वो बेकार बंदा है। सो मुझे क्या चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटर। अगर वो स्टार एजेंट भी नहीं रहेगा ना, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर होकर रहेगा, वो उसका साथ क्या रहेगा? कंज्यूमर रहेगा। कंज्यूमर रहने का मतलब उसका साथ पीवी आएगा, पीवी आएगा रहने का मतलब मेरे भी इनकम आएगा, मेरा एक सिस्टम बनेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू क्रिएट ए डिस्ट्रीब्यूटर, ए ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, देन यू कैन बिकम ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। सो दिस फोर स्टेप्स, थ्री स्टेप्स, नंबर वन कंज्यूमर, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर मिलकर यू बिकम डिस्ट्रीब्यूटर। आपका सेकेंड पोजिशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर। आपका नीचे अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, देन यू बिकम नेटवर्कर। ये जो स्टेटस है, दिस इज नॉट ओनली फॉर योर क्वालिफिकेशन, बट असली खेल यहां पर ही है, आपका नीचे कितना डिस्ट्रीब्यूटर है। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। नहीं सर, मेरा नीचे अच्छा कंज्यूमर है, मेरे नीचे डॉक्टर है, मेरे नीचे एक्टर है, मेरा नीचे पॉलिटिशियन है, मेरा नीचे इतना बड़े बड़े लोग है, मेरा नीचे एमपी है, मेरे नीचे प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या हो? तो क्या हो? तो डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं है तो पाल लो, ये बेकार है। तो आपको चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर विल बिल्ड योर बिजनेस माय डियर फ्रेंड। सो व्हाट यू शुड डू इज कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग, आपका टीम को डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाए उसमें कॉन्सेंट्रेट करो। डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो उसे एक ही सिखाना है, घर में प्रोडक्ट रखो और 20 कंज्यूमर बनाओ, देन वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। ऐसे लोग कितने हैं आपका टीम में? वो आपको मलेशिया तक लेकर जाएगा। ऐसा लोग नहीं है तो मद्रास तक भी नहीं जा सकते। गेटिंग माय पॉइंट? अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपका टीम में सिर्फ मलेशिया में, माय डियर फ्रेंड, हर साल आप पीएसएबी क्वालिफाई कर सकते हैं। इफ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटर, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन योर टीम, कॉन्सेंट्रेट टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटर्स, नॉट ओनली द कंज्यूमर्स। Develop yourself as a speaker. This is very, very important. Many people, they come and tell me, sir, India mein training ka bahut kami hai. Trainer ka bahut kami hai. Trainer ka bahut kami hai, tu kya kar raha hai? 4 saal se, 5 saal se aake bol raha hai, sir, trainer ka bahut kami hai. Tu kya kar raha hai, sir? Tu trainer kyun nahi bana? सर वो तो मेरा काम नहीं, तो तेरा काम क्या है? वो बोल मैं, मेरा लैंग्वेज तमिल है, ओके, तो मेरा हिंदी इतना रेस्पेक्टफुल नहीं भी हो सकता। आई एम नॉट मीनिंग एनीबडी पर्सनली बट आई एम टॉकिंग। कभी कभी क्यों कहते ना, मैं अगर मेरा टीम रहता था ना, वो बोलता मैं पार डालता था, कुछ याद तक आ जाता था, फिर बोलता था सर ट्रेनिंग की
बहुत कमी है, स्टार्टर बोल रहा है ट्रिपल टेन, स्पीकर बहुत कमी है। अच्छा तो मुझे पता है इसलिए एक से शर्म होना चाहिए, मैं आपके बात नहीं कर रहा हूं, यू पीपल आर वेरी गुड, आप जो लोग हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट आपका अंदर कुछ लोग बैठा हुआ और बेकार बन रहा है, उसी का बात कर रहा हूं। You are very talented people, energetic people, positive people, big leader, big income, big team. But आपका अंदर एक बंदा बैठा हुआ, आज मेरा काम है उसे बाहर निकालना। क्या करना? निकालना और पिटाना और उसे समझाना। तो बिजनेस करना है तो बिजनेस कर, नाटक मत कर। बिजनेस करने का अंदर बैठकर ये मत बोल मैं ये होगा वो होगा ये होगा, फिर जाके वहां से मत बोल ये ट्रेनिंग नहीं है, 3 साल मैं हूं। शर्म शर्म आना चाहिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके अंदर जो मजा आपका आपका अंदर यू यू पीपल आर वेरी गुड, यू पीपल आर लीडर, यू पीपल आर स्टार डायमंड एवरीथिंग, आपका अंदर एक बंदा बैठा हुआ है बेकार घसी के मारे, अगर अगर पीछे मारने में ताकत नहीं है ना मैं साल में मदद दे लूंगा सर आप मारो, वो एक मार मारेंगे ना बस बेटा सुधर जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स व्हेन वी डू बिजनेस डू इट्स लाइक ए बिजनेस, When you are putting mango seed डालते हैं उसमें से क्या आएगा? Mango ही आएगा, उसमें से कोकोनट कभी भी नहीं आएगा। अब जितना भी पूजा कर लो, अब उसमें कितना भी यूरिया डाल दो, कितना भी फर्टिलाइजर डाल दो, कितना भी मोटिवेशन दे दो, कितना भी सेमिनार उसे ले दो, मैंगो से मैंगो ही आएगा, कोकोनट नहीं। ये समझो कंस्यूमर प्रोडक्ट ही यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस बिल्ड करेगा। मेरा टीम में कंस्यूमर रखकर आप ये मत सोचना मैं ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, अनलेस एंड अंटिल वो कंस्यूमर को आप डिस्ट्रीब्यूटर से कन्वर्ट नहीं करने तक, समझ में आ रहेगा? सो कंस्यूमर हो सकता है, स्लोली वो कंस्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट करो, अदरवाइज नया डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर करो। ऐसे ही 4 साल 5 साल का बाद हम बैठेंगे बात करेंगे, ओके बिहार 5 करोड़ करेगा 10 करोड़ करेगा, हम देखेंगे यहां से ताले हमारे सुपर सुपर बोलेंगे। सो नाउ महाराष्ट्र का अंदर बहुत बड़ी टैलेंट है, महाराष्ट्र का टीम इज ए वेरी पावरफुल टीम, वी शुड नॉट लीव दिस टीम टू गो अगेंस्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी शुड डू, concentrate on how to become a good presenter. Presentation का मतलब ये नहीं है मैं सेमिनार यहाँ पे ना कर मैं सेमिनार दे रहा हूं, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं है, अगर वन टू वन आप बात कर रहे हैं वो भी प्रेजेंटेशन, फोन में बात कर रहे हैं वो भी प्रेजेंटेशन, घर में बैठकर स्पाइप भी ना को ऊपर बाबी से बात कर रहे हैं वो भी प्रेजेंटेशन, रोड में जा रहे हैं या बैंक में या ट्रेन में या प्लेन में साथ में लोग से बात कर रहे हैं वो भी प्रेजेंटेशन। सो हमको ये सीखना चाहिए मैं कैसे डीएक्शन की शुरुआत करूं, कैसे डीएक्शन को इंट्रोड्यूस करूं, किसी का साथ में जाकर बोलूंगा मैं डी हूं ये प्रोडक्ट अच्छा है मैं यूज कर रहा हूं आप भी ले लो, लेगा नहीं लेगा कभी भी नहीं लेगा, वो प्रोडक्ट अच्छा भी है तो नहीं लेगा कभी भी। आप स्पेशली आप जो लोग जानते हो आपके रिश्तेदार आपका फ्रेंड्स उनके साथ जाकर आप डीएक्शन की प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे तो वो दिमाग उसका दिमाग में यही चलेगा तेरा फायदा क्या है, सही है ना, तेरा फायदा क्या है वो बोल क्यों मुझे आकर तू लोचा है। सो फर्स्ट थिंग वी शुड नो हाउ टू प्रेजेंट डीएक्शन एज अ नेटवर्कर,
you should know how to start a conversation with a stranger or with anybody. एक बंदा को आप consumer बनाना चाहते हो और एक बंदा को आप networker बनाना चाहते हो, उससे कैसे बात करना? Dr. Lim always tell, always have a general discussion. क्या करना है? General discussion करना. This general discussion करते 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 वो बंदा खुद बोलेगा उसका प्रॉब्लम क्या है. आप उसे कभी भी नहीं पूछना तेरा प्रॉब्लम क्या है, वो मेरे पास सलूशन है. अगर ये बोलेंगे तो वो बंदा पीछे भागेगा. ऐसा कॉन्वर्सेशन करो वो खुद बोलेगा उसका अंदर क्या क्या कमी है. मैं काम कर रहा हूं बट मेरा इनकम अच्छा नहीं है. मैं काम कर रहा हूं बेटा मेरे पास टाइम नहीं है. मैं काम कर रहा हूं मेरा बीवी को यह प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है. ये सब कब आएगा? When you talk natural, reaction को हटा के रख दो, reaction को साथ में नहीं लेके आना शुरुआत में. Just you do general discussion. ग्यारह वर्मा को भूल जाओ, स्पाइनल नाम को भूल जाओ, डॉक्टर लिंग को भी भूल जाओ. पहले नॉर्मल डिस्कशन करो. नॉर्मल डिस्कशन करने के बाद आपको पता चलेगा हाँ इसका अंदर ये चैलेंजेस है. ये बंदा पैसा करना चाहता है, ये बंदा का पास टाइम नहीं है, ये बंदा का घर में ये प्रॉब्लम का हेल्थ इश्यूज है. अभी आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, आपका पास सोल्यूशन है. नाउ सोल्यूशन हम कैसे देंगे? ऑलवेज गिव सोल्यूशन विद थर्ड पार्टी रेफरेंस. यू डोंट गो एंड गिव सोल्यूशन डायरेक्टली. तो ये बोला ना तेरा बच्चा नहीं खा रहा है, वीक है, इस पैरू में रहे, इस पैरू में उसका अच्छा रहेगा. ये एक तरीका होता है डायरेक्ट अप्रोच. और एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच. इनडायरेक्ट अप्रोच ऐसा होता है वो तो उस दिन बोल रहा है तेरा बेटा ठीक से नहीं कर रहा है. मेरा दोस्त का भी एक बेटा वैसे ही था, ठीक से नहीं कर रहा था, बट उसे एक लोगों ने कुछ प्रोडक्ट दिया, उसका नाम शायद स्पाइरुलिना है. वो खाने के बाद नाउ ही इज फीलिंग गुड. अगर तू चाहता है तो मैं उसे पूछूंगा वो क्या प्रोडक्ट है. अभी आप एक मीडिएटर हो, यू आर नॉट अ सेलर, यू आर ओनली गिविंग अ सॉल्यूशन. तो वो बंदा क्या बोलेगा? अच्छा तू पूछ के बता क्या है. देन आपको पूछने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको तो पता है. तभी नहीं बोलने का एक आधा घंटे का बच्चा हमने भी फोन करने का. अच्छा मैंने पूछा था वो स्पाइरुलिना है, मेरे मम्मी भी एक्चुअली यूज करती है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. सो नाउ दिस इज फलाना फलाना, सो इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू टू गेट दैट प्रोडक्ट. वो दाम इतना बोल रहा है, अगर आप तू चाहता है तो मैं उसे पूछूंगा दाम इतना है, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा. तो देन यू सी यू आर क्रिएटिंग अ गुड कंज्यूमर. यू नो ये है कंज्यूमर का. कुछ लोगों का है पैसे के प्रॉब्लम, उनको भी ऐसे ही बोलेगा डोंट गो एंड टेल. अच्छा तू डीएक्सएल में मेंबर बन जा, प्रोडक्ट बेचना शुरू कर, कमीशन आएगा, स्टार एजेंट स्टार हो भी नहीं. नहीं नाउ यू शुड गिव थर्ड पार्टी रेफरेंस. ऐसे मेरे भी एक दोस्त था, वो एक परेशानी में था, बट आजकल वो एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, काम को भी जा रहा है फिर भी एक बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा कमा रहा है. सो मैं भी इंटरेस्टेड हूं, मैं भी उसे पूछूंगा क्या कर रहा है, तू भी इंटरेस्टेड है तो बोल क्या करेगा. Now you give the third party reference and वो आपको validate करेगा आपका statement. This is what you should know, how to explain the potential of the business. कितने लोग home meeting करते हैं? Home meeting करना is very very important. Home meeting करना DXN business का value बढ़ाता है. कुछ लोग बोलते हैं सर होम मीटिंग में बिजनेस अलग रखता हूं, पर्सनल लाइफ अलग रखता हूं. ऐसे भी कुछ लीडर ने मेरे से बोला पर्सनल लाइफ अलग है, बिजनेस लाइफ अलग है. तो मैंने उसे एक ही जवाब दिया, अच्छा तो ये बिजनेस में जितना भी इनकम आ रहा है ना तो बिजनेस में ही खर्च कर, पर्सनल लाइफ में मत लेकर जा. सही है ना? अगर तुझे घर में डीएक्शन मीटिंग रखने में हमको शर्म आता है तो डीएक्शन इनकम से खाना खाना भी शर्म आना चाहिए. सही है, बिकॉज दिस इज आवर बिजनेस माई डियर फ्रेंड्स. हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे. अगर हम इसे दिल से नहीं करेंगे, दिल से नहीं मानेंगे तो मेरा डाउनलाइन कैसे बनेगा? डीएक्शन कभी फैमिली के साथ करो, हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर करो. When you call your prospect, आप किसी को इनवाइट करते हो, उसे उसका बीवी को हस्बैंड को लेकर आने के लिए बोलो. घर में आकर यू डू द जनरल डिस्कशन.
अगर हुआ तो आपके अपलाइन को साथ में रखो, जनरल डिस्कशन करकर डीएक्सएल का अपॉर्चुनिटी उनको समझाओ. दिस इज हाउ यू शुड डू वन टू वन मीटिंग, होम मीटिंग एंड सेमिनार्स एंड मीटिंग्स. दिस आर ऑल द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन.